आज की जो आपकी लैब है वो है फ्लाइट टेस्ट अच्छा इससे पहले आप लोग अपने एयरक्राफ्ट की सारी डिजाइनिंग हार्डवेयर बेस्ड सिमुलेशन ये सारी चीजें कर चुके हैं देन uh, हार्डवेयर के बाद आप लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले उसकी फ्लाइंग भी चेक कर ली कि अगर मेरा ये सेम एयरक्राफ्ट है तो उसकी फील्ड वगैरह क्या होंगे क्या चीजें होंगी ऑन द फोर्ड ऑफ सही ये एक थ्योरी बेस लेवल तक हम कर चुके हैं इसकी टेस्टिंग फोर डॉक्ट पे भी इंशाल्लाह आप लोगों की हो जाएगी देन इसके बाद आप लोग आता है आपका एक्चुअल फैब्रिकेटेड एयरक्राफ्ट फ्लाई करना तो फ्लाई करने के हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फ्लाइट से पहले चेक कर लेना बेहतर है उसमें हमारे पास ये कुछ तीन चीज़ें हैं ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है जो ये वाली आज की हमारी लैब है वो बहुत सिंपल है क्योंकि ये एक्चुअली uh, परफॉर्म करने के ऊपर है इसमें थ्योरी इतनी नहीं है तो मैं बेसिक चीज़ें कुछ बता देता हूँ देन यूल इंशाला फ्लाई ओवर रेडी एयरक्राफ्ट ऑन द वीकेंड सो इसमें हमारे पास क्या है कि मैं जस्ट uh, सपोज मैं uh, अपने घर से निकल के कहीं जा रहा हूँ तो मैं जाने से पहले अपनी जो भी मेरी uh, ट्रांसपोर्ट है मैं उसके पूरी तसली से चेक करूंगा के भाई पेट्रोल वगैरह है या ऑयलिंग वगैरह मतलब ऑयल बाइक में है या नहीं है सही से बाइक है मतलब ऐसा ना हो कि अगर मैं उसे लेके निकलूं तो रास्ते में कुछ मसला हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए जस्ट सपोज कोई भी चीज तो मैं कुछ भी काम करने से पहले अपनी सारी एहतियात करता हूँ तो वही सेम चीजें अप्लाई होती है एक टेस्ट फ्लाइट से पहले मतलब एक फ्लाइट करने से पहले मैं ये सारी चीजें पहले से ध्यान में रखता हूँ तो अगर मैं एक आरसी एयरक्राफ्ट की बात करूं तो उसमें क्या चीजें होंगी जो मैंने चेक करनी है अच्छा कुछ चीजें यहाँ पे मेन्श है कि मैं अपनी को चेक करूंगा कि भाई मैंने पहले सारे कनेक्शन कर लिए मैं ऑन द ग्राउंड हूँ मैंने सारे कनेक्शन सेट कर दिए हैं मैंने बैटरी का वोल्टेज चेक कर लिया अपने ट्रांसमीटर के ऊपर मैंने अपने रिसीवर एंड पे अपनी मोटर को कनेक्ट किया हुआ है सर्वो मोटर्स कनेक्ट की हुई हैं तो मैं अपने ट्रांसमीटर पे एन के थ्रू उन सर्वो मोटर्स की मूवमेंट को चेक कर रहा हूँ कि भाई उन सर्वो मोटर्स की मूवमेंट की वजह से मेरी कंट्रोल सर्विस प्रॉपर मूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं क्या है अगर कोई एरर है तो मैं उसे वहीं रिजॉल्व कर लूँ मेरे सारे कनेक्शंस प्रॉपर हैं मेरी जो विंग है वो प्रॉपर बॉडी के ऊपर फिक्स हुआ हुआ है कोई भी कनेक्शन मतलब कोई लूज एंड्स तो नहीं है देन जो मेरी मोटर है वो मुझे प्रॉपर थ्रॉटल दे रही है या नहीं दे रही और जो मेरी बैटरी का वोल्टेज था जो मेरी बैटरी चार्जर पे जो गिवन था सेम वही मेरे ट्रांसमीटर पे शो हो रहा है या नहीं तो ये सारी चीजें मैं फ्लाइट करने से पहले चेक कर लेता हूँ देन uh, इसके अलावा हाँ एक अहम चीज है कि हम अपने एयरक्राफ्ट में सारी चीजें ऑब्वियसली फिक्स करके तो नहीं रखते मतलब हम अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं मोटर डिस्कनेक्ट कर देते हैं ई अलग होती है देन मैं अपनी ब्रशलेस मोटर पे से प्रॉप वगैरह रिलीज कर देता हूँ मोस्टली ऐसा ही होता है तो जब हम उसके ऊपर वगैरह लगा रहे हैं या वो पहले से लगा हुआ है तो मोटर ऑन करने से पहले उस प्रॉप को चेक कर लिया जाए कि वो कहीं लूज तो नहीं है एग्जैक्टली exactly फिक्सड है या नहीं अगर मैं बैटरी अभी दोबारा डेस्क पे से चार्ज उठा उठा के अपनी एयरक्राफ्ट के अंदर फिक्स कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर फिक्स हुई है या नहीं हुई है मेरे लैंडिंग गेयर जो है वो प्रॉपर उसके अंदर फिक्स है या नहीं है।, Then, आ, इसके बाद मेरे पास एक आती है फ्लाइट करने से पहले कि मैं उस एनवायरनमेंट में फ्लाई करूं जहां पे मेरा आ, वेदर जो है वो नॉर्मलाइज हो मतलब बहुत ज्यादा विंड नहीं चल रही हो क्योंकि अगर जस्ट सपोज बहुत ज्यादा विंड है और मैं एक प्रोफेशनल पायलट भी हूं तो मैं तो उस एयरक्राफ्ट को बैलेंस कर पाऊंगा काफी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि अगर कहीं से कोई बहुत ज्यादा विंड भी आती है तो मैं अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर लूंगा बैलेंस कर लूंगा मगर अगर कोई ऐसा शख्स है जो फ्लाइट करने जा तो रहा है खैर उसने ट्रेनिंग की है मगर वो इस तरह की कंडीशन में फ्लाई नहीं कर सकता मतलब उसे आइडिया है कि मैं कर लूंगा मगर अगर बहुत ज्यादा विंड चली और वो उसके एयरक्राफ्ट के कंट्रोल से बाहर हो गया वो उसे दोबारा बैलेंस नहीं कर पाया तो इन एंड वो क्रैश हो सकता है क्योंकि इससे पहले अगर आप लोग सिमुलेटर पे अगर फ्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग करने के लिए मैं कोई भी एक उठा के डायरेक्ट ट्रेनिंग तो ही नहीं कर लूंगा फर्स्ट टाइम पे मुझे अपने पास एक पीसी में कोई सिमुलेटर होगा जिस तरह मैंने लास्ट टाइम फिनिक्स आरसी की बात की थी तो मेरे पास उसमें कोई ना कोई तो सिमुलेटर होगा जिसपे मैं अपनी पहले ट्रेनिंग करता हूँ तो उनमें क्या होता है कि उनमें वो कंडीशन नहीं होती है मतलब उसमें बैंड विंड वाली कोई कंडीशन नहीं है या अगर मैंने मोटर खराब होने की कंडीशन नहीं डाली मतलब मैं उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता तो वो अगर मेरे पास रियल टाइम में आ जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता इन दी एंड मेरा एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है ड्यू टू द क्रैश सही so, है तो ये सारी चीजें हमें पहले से मेजर करनी होती हैं हमें प्लेसमेंट हमारी ऐसी चाहिए हो हमारा एनवायरमेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो हम फ्लाइट का टाइम ऐसा सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा विंड ना मिल रही हो एंड हमारा जो स्काई है उसमें कोई बर्ड्स वगैरह ना हो कोई परिंदे वगैरह फ्लाई ना कर रहे हो आसमान क्लियर हो हमारा तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिफोर द फ्लाइट चेक कर लेना बेहतर है सही है, इसके अलावा uh, हमारे पास एक पॉइंट है वही पायलटिंग स्किल्स जो मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर कोई शख्स है जिससे फ्लाइट करनी भी हो और उसने इससे पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की भी तो बेहतर ये है कि या तो आप किसी प्रोफेशनल पायलट से अपना एयरक्राफ्ट फ्लाई करवाएं क्या आप लोग इससे पहले खुद से एक सिमलेटर लेके और उस पर कंप्यूटर बेस्ड अपने एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग करें मतलब तो उसमें तो हम एक जनरल कोई भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट पिक करके उस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं कि भाई मैं किस तरीके से मूव करूंगा तो कैसा होगा कैसी मूवमेंट कहाँ करूंगा तो किस तरीके का मेरा एयरक्राफ्ट फ्लाई होगा या मैंने कितना थ्रोटल देना है फ्लाई करने के लिए इन द एयर जाके मैंने उस थ्रोटल को कितना कर देना है देन क्या क्या कंडीशन मैंने उसके अंदर अप्लाई करनी होंगी फॉर अ नॉर्मल फ्लाइट सही है इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक रियल फील भी लेना है तो उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि मैं एक बहुत ही एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एयर नहीं लेके जाता मैं क्या करता हूँ कि मैं आ, एक फॉमी बिल्ड या कोई एक चीप एयरक्राफ्ट एक ग्लाइटर एयरक्राफ्ट लेता हूँ और उस पर अपनी फ्लाइट की टेस्टिंग करता हूँ सही है, एक हमारे पास तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट भी आते हैं एक फॉर्मी बेस्ड होते, है, मतलब होते हैं मतलब फॉर्म से बने हुए होते हैं हम फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़ हम क्या करते हैं हम उसके अंदर डीसी मोटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हम जैसे एक जैसे ग्लाइडर कॉन्फ़िगरेशन का सिंपलर एयरक्राफ्ट लेते हैं जिसमें सिर्फ उसकी कंट्रोल सर्विस कनेक्ट होती हैं और uh, उसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर लगा हुआ होता है हम एक जस्ट उससे उसे मैक्सिमम हाइट पर ले जाकर ड्रॉप करते हैं एंड देन उसे ग्लाइड करवा रहे होते हैं यूजिंग द कंट्रोल सर्फेसिज सही है तो पायलटिंग स्किल्स जरूरी हैं ये चीजें करने के लिए फ्लाइट uh, करने से पहले और बेहतर ये है कि अगर किसी की पैलटिंग अच्छी ना हो तो वो इन प्रोसेस से होने के बाद जो भी दो तीन चीज़ें मैंने बताई वो करने के बाद ही अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करें अच्छा इस लैब में एक चीज़ यह है कि आप लोगों ने अपनी टेस्ट फ्लाइट का लॉग मेंटेन करना है आ, डेट और आपने क्या मिशन परफॉर्म किया एंड लोकेशन वेदर वगैरह क्या थी उस दौरान विंड स्पीड क्या थी खैर विंड स्पीड तो आप लोग का आइडिया नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के पास के गैजेट्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कोई भी अज्यूम कर सकते हैं अगर नॉर्मल विंड है तो और आप लोग की फ्लाइट की ड्यूरेशन क्या थी तो आप लोगों ने इतनी ज्यादा फ्लाइट तो नहीं करनी है एटलीस्ट uh, दो या तीन फ्लाइट की हुई हों इस लैब के लिए सही वो हम कोशिश करेंगे कि वो यहीं पे कीट में ही हों या अगर उसके अलावा कोई कीट से बाहर या अपने वीकेंड पे जाके uh, इन एयरक्राफ्ट की फ्लाइट करना चाह रहा है तो वो बस ये लोग मेंटेन करे और उन एयरक्राफ्ट की फ्लाइट की एक वीडियो बना ले सही है ठीक है आई होप सबको क्लियर होगा सिंपल सी लैब है जस्ट फ्लाइट इसके अंदर अपने एयरक्राफ्ट की करनी है आई होप सब अपने एयरक्राफ्ट वगैरह कंस्ट्रक्ट कर चुके होंगे तो इसके बाद हम जस्ट ही फ्लाइट करेंगे एयरक्राफ्ट की ठीक है अल्लाह हाफिज़